हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूरजपुर नामक एक गांव में प्रमोद अपनी माँ सुरेखा, पिता उदय और नाना जी कांतिलाल के साथ रहता है। प्रमोद कॉलेज में पढ़ने जाया करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता का ढाबा होता है, जहाँ सुरेखा और उदय दोनों अपने हाथ का बना स्वादिष्ट और लजीज खाना बेचा करते हैं। सुरेखा, ये लो, जल्दी से ये पापड़ तल दो और 4 ग्लास मसाला छाछ बना दो। तब तक मैं चुकंदर के पराठे तैयार करता हूँ टेबल नंबर 3 के लिए। ठीक है प्रमोद के पापा। उदय और सुरेखा 50 से ऊपर होने के बावजूद भी काम में काफी फुर्तीले होते हैं। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला होता है और इसी के साथ अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अरे वाह 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 उदय भाई साहब वाह, तुम्हारे ढाबे के ये गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। इस ठंड में तुम्हारे ढाबे में आराम से बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ उदय भाई और सुरेखा भाभी के ढाबे की तो बात ही निराली है। गांव में इकलौता ऐसा ढाबा है ये, जहाँ के खाने का स्वाद एकदम घर के खाने के जैसा आता है। ना कोई मिलावट, ना कोई कुछ, सिर्फ प्यार रहता है इनके खाने में, है ना? धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। ग्राहक जब जब उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं, वो उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं और हर किसी का दिल खुश हो ही जाता है। प्रमोद कॉलेज से आकर अपने माता पिता का ढाबे पर हाथ बटाता है। पापा माँ, आप दोनों अब थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, मैं काम कर देता हूँ। जाइए थोड़ी देर हीटर के पास बैठ जाइए, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कहीं आप दोनों बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बेटा, सच में हमारा प्रमोद बहुत समझदार और गुणी है। भगवान सभी को प्रमोद जैसा ही बेटा दे। हाँ सुरेखा। अच्छा प्रमोद बेटा, तुमने घर का हीटर तो ठीक कराया है ना, वो पुराना वाला? नाना जी को कहीं ठंड न लग जाए। पापा आप फिकर मत कीजिए, मैंने वो पुराना वाला हीटर ठीक करा दिया है और नाना जी के लिए नए स्वेटर और मफलर भी ला दिए हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत खूब बेटा। उदय का बड़ा भाई प्रताप और उसकी बीवी मेनका भी उसी गांव में रहते हैं। उन्हें उदय की तरक्की से खूब जलन होती है। वो दोनों उन लोगों से जरा भी बात नहीं करते हैं। देख लिया जी आपने, कैसे खुशियां मना रहे हैं वो लोग। ऊपर से वो उदय और उसका बेटा प्रमोद, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है उनका। मुझे तो कुछ सहा नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं मेनका, हमारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, हमारा बेटा बिगड़कर भाग चुका है हमें छोड़कर, और मेरे छोटे भाई के जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं, ये नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब उदय के जीवन में दुखों के काले बादल मैं लाऊंगा। प्रताप और मेनका दोनों उदय के एक्सीडेंट की योजना बनाते हैं और प्रताप मौका ढूंढते ही जब एक दिन उदय को अकेला सड़क से जाते हुए देखता है, वो तुरंत उसे अपनी गाड़ी से ठोक कर चला जाता है, जिसके चलते उदय को गंभीर चोट आ जाती है और वो एक पैर से अपाहिज हो जाता है। पैसों की कमी के चलते हॉस्पिटल बिल भरने के लिए उन्हें अपना ढाबा तक बेचना पड़ता है। पापा पापा, अब आप कैसे हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रमोद बेटा, मैं अब ठीक हूँ। अब तो बस इस व्हीलचेयर पर ही जीवन गुजारना है। ढाबा था वो भी चला गया, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं पापा आप फिकर मत कीजिए, आप पैर से अपाहिज हुए हैं, हाथों से नहीं। अभी भी घर बैठे आप और माँ दोनों साथ मिलकर वही बढ़िया खाना बना सकते हो और हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन कैसे प्रमोद बेटा? नाने जी की पुरानी साइकिल है ना, मैं उस पर सारा खाना रखूंगा और गली गली जाकर खाना बेचूंगा। हाँ सुरेखा बिटिया, दामाद जी मुन्ना एकदम सही कहत रही, इतनी ठंड मा कौनऊ ढाबे पर आएगा भी नहीं। उसे बेहतर ही है कि मुन्ना सब का घर मा जा 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 कर खाना बेचेगा। एक एकदम सही चुनाव सुझाव है मुन्ना का, हमारा आशीर्वाद तुहार साथ ही है। जा बिटवा, खूब तरक्की कर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, लेकिन ठंड में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है बेटा।
आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा आपके जैसा ही ताकतवर है। उदय और सुरेखा दोनों मियां बीवी घर पर स्वादिष्ट खाना बनाया करते हैं और उसी खाने को प्रमोद साइकिल पर रखकर बेचने जाया करता है। इस तरह वो दिन रात बहुत कमाने लगता है। प्रमोद पढ़ाई और काम दोनों को बखूबी संभालने लगता है। अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तुम अपने पापा की इस प्रकार मदद कर रहे हो, ये देखकर सच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अपने पापा का ध्यान रखना और जल्द ही उन्हें ठीक करके देना बेटा। जी काका जी। प्रमोद साइकिल पर खाना बेचते हुए भी बहुत प्रगति करने लगता है और अब धीरे धीरे उनके परिवार में खुशियां वापस लौटने लगती हैं। ये देख प्रताप और मेनका दोनों की जलन अब पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है, एक ही महीने में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा है? हमें उस उदय का इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए हैं। प्रमोद कॉलेज और साइकिल ढाबा दोनों संभाल रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। प्रमोद कुछ ही महीनों में ढेरों पैसे कमाकर अपने पापा का एक बड़े डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाता है और प्रोस्थेटिक लेग बैठाकर उदय फिर से चलने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से जुटाए हुए पैसों से अपना नया ढाबा खोलते हैं और ये देख प्रताप का गुस्सा और बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उदय का पैर ठीक होकर वो फिर से खुश नहीं रह सकता। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा, ऐसा नुकसान करूंगा उन लोगों का कि वो लोग उसकी भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जी? प्रताप अब उदय के ढाबे को जलाने की योजना बनाने लगता है। ये रहा केरोसिन, आज रात को जब सारा गांव चैन की नींद सोएगा तब हम अंधेरे में मौके पे चौका मारेंगे और वहां जाकर उदय का ढाबा जला देंगे। हाँ जी, ये सही रहेगा, ये तो बहुत ही कमाल का सुझाव है जी आपका। लेकिन वो केरोसिन का ढाबा प्रताप के घर पर ही लीक हो जाता है और गलती से चूल्हा जलाते वक्त माचिस की तीली फर्श पर फैले केरोसिन पर जाती है और प्रताप और मेनका का घर ही जलने लगता है। अरे नहीं, अरे बचाओ, बचाओ! नहीं, ये तो हमारे घर में ही आग लग गई मेनका, ये क्या हो गया? मेनका और प्रताप आग में फंस जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर से गुजर रहा साइकिल पर सवार प्रमोद ये सब देख लेता है और वक्त रहते वो उन दोनों को आग में से बाहर निकाल कर उनकी जान बचा लेता है। ताऊजी, ताऊजी आप दोनों ठीक हो ना? हाँ प्रमोद बेटा। प्रमोद उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो दोनों को उदय ही अब सहारा देता है। ये देख कर प्रताप और मेनका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो उदय, तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया और आज मैंने तुम्हारे ढाबे को जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन मेरा घर ही जलकर राख हो गया। आज हम दोनों को समझ आ गया है देवर जी कि चाहे आप मन में कितनी भी खटास रख लो, कितनी भी नफरत रख लो, अंत में सके खून के रिश्ते ही काम आएंगे। और आज हमें सच में अपनी काली करतूतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिए आप सब। पूरा परिवार प्रताप और मेनका को माफ कर देता है और उस दिन के बाद सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और उदय का ढाबा और ज्यादा तरक्की करता है। लता एक बहुत बड़ी कंजूस होती है जो हर वक्त कंजूसी करती रहती है और उसके कंजूसी के कारनामों से उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। एक सुबह जब लता का पति हरिकृष्ण उससे कहता है, अरे लता, जरा गांव में भाभी और भैया को वीडियो कॉल तो लगाना, बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात ही नहीं हुई है। ओफो आबेना, मैं ना लगाने वाली मेरे फोन से वीडियो कॉल, मेरा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। आज दोपहर में मुझे ऑनलाइन एपिसोड देखना है अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का, कल रात को मैंने दोनों के एपिसोड मिस कर दिए थे। है कितनी कंजूस हो लता तुम सच में। एक काम कीजिए, आप भी वही नुस्खा अपनाइए जो मैंने अपनाने वाली हूँ आज। आप भी ना पड़ोस के चंगू का वाईफाई हैक कर लीजिए और उनके वाईफाई से नेट इस्तेमाल कीजिए, सिंपल। तभी वहाँ पर लता का बेटा, बहू सूरज और मुस्कान आ जाते हैं। माँ जी, आप इतनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस हो कि आप इंटरनेट तक दूसरों का इस्तेमाल करती हो और खुद बचत करती हो। ओए मुस्कान बहू, ज्यादा जबान मत चलाना वरना ये तेरी कंजूस मक्खी चूस सास तेरा खून चूस लेगी, समझी ना? खून तो चुड़ैलें चूसती है ना, लेकिन
तो इसका मतलब आप भी चुड़ैल हो? मुस्कान, एनफ। और माँ, आप कब कंजूसी करना छोड़ने वाली हो? पापा ये लीजिए, मैंने ताऊ जी को वीडियो कॉल लगाया है, आप बात कर लीजिए उनसे। अरे ठीक है सूरज बेटा। लता हर रोज पड़ोस की कुंती जी के घर का अखबार चुरा कर खुद पढ़ती है और 8 बजते ही उनके दरवाजे पर वापस रख कर आती है। एक दिन कुंती लता को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सुबह सुबह पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा करती है। अच्छा तो ये तेरी करामात है लता, तू ही है वो चोरनी जो सुबह सुबह हमारा अखबार चुराती है और फिर 8 बजे पढ़कर वापस रख देती है। सुन लो मोहल्ले के वासियों, अखबार चोरनी है ये। कुंती, ए, तेरे दिमाग में भूसा भर चुका है क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये तेरा अखबार मेरे घर पर गलती से डालकर गया था डिलीवरी बॉय, इसीलिए मैं तुझे वापस देने आई थी। अरे चुप हो जा तू, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू उतनी भोली है ही नहीं। घर पर लता को बहुत डांट पड़ती है। अरे 1.5 रुपए के अखबार को तुम चुरा कर पढ़कर वापस रख देती हो। माँ अगर ऐसा ही है तो आप खुद अखबार मंगवाया करो ना अपना। क्यों मंगवाएंगी ये? अरे इनके अंदर कंजूस चुड़ैल की आत्मा जो घुस गई है। अरे हाँ तो इसमें गलत ही क्या है बताओ? 1.5 रुपए बचा बचा कर मैं पूरे साल में 1000 रुपए बचा लेती हूँ, क्यों अखबार पढ़ने के लिए पैसे वेस्ट करना? और तू कलमुई चुड़ैल, तू तो है ही डायन कहीं की। हाँ। फिर एक दिन जब मुस्कान सबके लिए नए आचार की बोतल लाती है तभी लता उस बोतल को मुस्कान के हाथ से छीन लेती है। माँ जी आपने मेरे हाथ से ये बोतल छीनी क्यों? क्योंकि घर में पहले से आचार की बोतल पड़ी हुई है। लेकिन बेटा उसमें का आचार तो कब का खत्म हो चुका है, क्या तुम भी? कुछ खत्म वतम नहीं हुआ है सूरज के पापा, ये देखो। लता चम्मच से उस बॉटल के अंदर की साइड से बचा खुचा चिपका हुआ अचार निकालने लगती है और मुस्कान, हरे कृष्ण और सूरज ये दृश्य देख अपने सर पकड़ लेते हैं। ये देखो अब भी इस बॉटल में उतना अचार है कि मैं पूरे गांव को खिला सकूं। सूरज लगता है तुम्हारी माँ को कंजूसी की बीमारी हो चुकी है, इन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे बीमार तो तू हो गई है। अरे सूरज बेटा इसे तू डॉक्टर के पास नहीं बल्कि सीधे पागल खाने छोड़ दे क्योंकि इसकी असली और सही जगह वहीं पर है। अच्छा आप तो खुद पागल खाने से छूटी हुई पागल औरत लगती हो और आई बड़ी मुझे पागल खाने भेजने वाली। हाँ अरे जा आई बड़ी बरगद वाली चुड़ैल है। दिन बीत जाते हैं लेकिन लता की कंजूसी कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन वो मुस्कान की नई और महंगी साड़ी का पोछा बना देती है और जब ये मुस्कान देखती है तभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या माँ जी आपने ये क्या कर दिया, मेरी इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी का पोछा बना दिया। अरे सुबह ही तो सूरज ने आपको नए पोछे खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना। अरे ओ करमजली पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं कि जब मन किया तोड़ लिया और खर्च कर दिए। अरे मेरा सूरज दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत मशक्कत करता है तब जाकर घर में पैसे आते हैं और तुझ जैसी नालायक बीवी और बहू उन पैसों को पानी की तरह बहाने के लिए तैयारी रहती है। माना के पैसे बचाना और कंजूसी करना सही है लेकिन हर बार नहीं, बचत और कंजूसी सिर्फ उन्हीं चीजों में करनी चाहिए जिनकी जरूरत नहीं हो, जो जरूरी हो उसमें भी कंजूसी करेंगे तो कैसे चलेगा। मुस्कान बहू बिल्कुल सही कह रही है लता। अरे आप तो चुप ही बैठो जी, जब देखो तब इस कुलटा कुलक्षिणी की वकालत करते रहते हैं। मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। लता जिद के मारे और ज्यादा कंजूसी करने लगती है और एक दिन जब सूरज का जन्मदिन होता है तभी घर में पार्टी रखी जाती है। तभी लता मुस्कान से कहती है, मुस्कान बहू बाहर से खाना मत मंगवाना, आज मैं सब लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी, आज तुझे रसोई का काम से छुट्टी। अरे वाह क्या बात है, ठीक है मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। पापा जी चलिए हम डेकोरेशन कर लेते हैं। हाँ मुस्कान बहू। इस कलमुही से मैंने अगर इतने सारे लोगों का खाना बनवाया तो ये महीने भर का आधा राशन आज ही खत्म कर देगी, इसीलिए मैंने आज मिलावट वाला सस्ता सामान लाया है जिससे मैं कम राशन का सामान इस्तेमाल करके ढेर सारे लोगों का खाना बनाऊंगी। लता खाने के हर एक पदार्थ में मिलावट वाला फूड कलर और बाकी का सामान मिलाती है और पार्टी में सभी वो खाना खाते हैं और तो और वो सूरज का केक बनाते हुए उसमें भी मिलावट करती है। ये समोसे कुछ अजीब से क्यों टेस्ट कर रहे हैं? हाँ यार ये केक भी
ऐसा लग रहा है कि केक में ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बटर इस्तेमाल किया है और ये क्रीम भी बहुत गंदी टेस्ट कर रही है। लता को इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी ये कंजूसी अब उसको ले डूबने वाली थी। पार्टी में सारा मिलावट वाला खाना खाकर सारे मोहल्ले के लोगों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है और तो और हरिकृष्ण, सूरज और मुस्कान की भी तबीयत खराब हो जाती है। लता को सिर्फ गले में दर्द होता है क्योंकि उसने कम खाना खाया था। हे भगवान, मेरा मिलावट वाला खाना खाकर सबके सब गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया। सभी 3 से 4 दिन बाद ठीक होने पर लता के घर पर आकर उस पर पत्थर फेंकते हैं और खूब बुरा भला बोलते हैं। अरे कंजूस औरत, तेरी वजह से हमारी तबीयत की वाट लग गई। अब तू बस घर के बाहर निकल, तेरी वाट लगा देंगे हम। एक बार भी किसी की सेहत के बारे में नहीं सोचा तूने बुढ़िया, ये ले और ले। बाद में लता को इतनी चोटें आती हैं कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तभी वो अपने कान पकड़ लेती है। मेरे कारण पूरा मोहल्ला और तुम तीनों इतने बीमार हुए, ये सब मेरी कंजूसी का बुरा नतीजा है। मुझे माफ कर दीजिए सूरज के पापा। सूरज और मुस्कान बहू, मैं बाकी मोहल्ले वालों से भी बारी बारी जाकर माफी मांगूंगी और मैं आज शपथ लेती हूँ कि मैं फिर कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो इस हादसे से एक अच्छा काम तो हुआ। और उस दिन के बाद से लता ने हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना छोड़ दिया और दिल खोलकर खर्च करने लगी और दान करने लगी और उसके बाद सभी उससे अच्छे से भी पेश आने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।